हाँ दोस्तों, फाइनली BSSC इंटर लेवल से रिलेटेड जो न्यूज़ था दोस्तों वो फाइनली ला दिया गया। आप सभी का जो बेसब्री से इंतजार थी वो आई थिंक खत्म होने वाली है, क्योंकि दोस्तों BSSC इंटर लेवल का जो रिजल्ट है वो अगले माह अक्टूबर तक ला दिया जाएगा। और दोस्तों खास बात यह है कि आपके लिए किस मेंस एग्जाम का जो डेट है उसको भी रिवील कर दिया गया है, और टोटल कितने लोग सक्सेस होंगे मेंस एग्जाम में उसको भी रिवील कर दिया गया है। ये सारी बातों को आप इस वीडियो में क्लियर करने आए हो तो टाइम लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ और इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा जो हिंदुस्तान पेपर पब्लिश कर बताया गया है। आप हेडिंग देख सकते हैं, BSSC प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट अक्टूबर तक। दोस्तों देख सकते हैं फाइनली बता दिया गया है कि BSSC इंटर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट फाइनली अक्टूबर तक ला दिया जाएगा। दोस्तों आप में से जो लोग BSSC इंटरव्यू का एग्ज़ाम दिए थे उन सभी का जो बेसब्री था दोस्तों वो खत्म हो चुकी है। अब घबराइए मत दोस्तों, आप सभी का जो रिजल्ट है वो आने वाली अक्टूबर तक ला दिया जाएगा। दोस्तों अब आते हैं आगे। दोस्तों आपको पता ही होगा कि 13,000 पदों के लिए ये वैकेंसी लाया गया था, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर 2018 में हुई थी और इसमें टोटल 9 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। अब आते हैं दोस्तों, देख सकते हैं नीचे जो है मेन टॉपिक है दोस्तों, देख सकते हैं पहला है फरवरी 2020 तक आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। यहाँ बता दिया गया साफ तरीके से कि फरवरी 2020 तक आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट करने का मतलब दोस्तों कि आपका अक्टूबर में फर्स्ट रिजल्ट ला दिया जाएगा। अक्टूबर के बाद फर्स्ट रिजल्ट लाने के बाद दोस्तों आपका मेन्स एग्जाम होगा। मेन्स एग्जाम आने एग्जाम लेने के बाद उसका भी रिजल्ट लाने के बाद फाइनली आपका ओवरऑल पूरा रिजल्ट फाइनल 2020 तक आपका ला दिया जाएगा। यानी दोस्तों आपका पूरी तरह से ये जो वैकेंसी है इसे क्लियर कर दिया जाएगा 2020 तक पूरी तरह से। दोस्तों ये है बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो वैकेंसी है 2014 में लाया गया था, और जब से इस वैकेंसी को ये वैकेंसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यू होती आ रही है और अभी तक इसका किसी प्रकार का कोई भी रिजल्ट नहीं लाया गया। फाइनली अब इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है तो वो फाइनली सभी चीज़ें सामने आ रही है, और आई थिंक जितना भी BSSC के आयोग है वो सभी लोग एक्टिव हो चुके हैं, वो सभी लोग सक्रिय हो चुके हैं। अब आते हैं नीचे नेक्स्ट जो देख सकते हैं, परीक्षा के लिए 70,000 अभ्यर्थियों का होगा चयन। और तो देख सकते हैं फर्स्ट एग्जाम के बाद जो मेंस एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम देने के लिए टोटल 70,000 लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। टोटल 9 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, 9 लाख लोगों में से 70,000 का सिलेक्शन किया जाएगा, और 70,000 में से फिर 13,000 को जॉब दिया जाएगा। तो जनवरी मार्च 2020 तक के बीच आपका ओवरऑल ये वैकेंसी रेट जो भी जो है प्रक्रिया वो सारी तरह से खत्म कर दी जाएगी। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, तो इस न्यूज़ के लिए लाइक तो बनती है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। अब आते हैं दोस्तों, चलिए इसी सारी बातों को जान लेते हैं डिटेल से क्या क्या बताया गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट अगले माह के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों देखते हैं अगले माह के अंत तक जारी कर दिया जाएगा, यानी दोस्तों अभी सितंबर चल रही है, अक्टूबर माह के अंत तक आपका फाइनली जो रिजल्ट है BSSC का वो ला दिया जाएगा। दोस्तों आप में से जो लोगों ने फॉर्म फिल किया था, अगर आप सभी लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गया होगा, अपना एडमिट कार्ड खो गया होगा, या जो भी एप्लीकेशन नंबर भूल गए होंगे, तो आप किस तरह से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा तो घबराइएगा नहीं। दोस्तों मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आप अपना सभी लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं। दोस्तों ये सारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल से बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, BSSC रिलेटेड जो भी अभी इन्फॉर्मेशन आने वाली है आगे फ्यूचर में, उस रेट में पल पल का न्यूज आपको अप टू डेट करता रहूंगा, तो प्लीज मेरे जैसे बन रहेगा। अब आते हैं दोस्तों आगे, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर फाइनल रिजल्ट फरवरी 2020 तक जारी कर दी जाएगा। BSSC के अधिकारी ने बताया कि तृतीय वर्ग के लगभग 13,000 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा में टोटल आपको पता होगा कि 18,00,000 अभ्यर्थी ने आवेदन दिया था, इसमें से सिर्फ 9 लाख अभ्यर्थी ने एग्जाम दिया था, जिसमें से 17,000 विद्यार्थियों का चयन हो गया। जो दोस्तों देख सकते हैं टोटल 13,000 वैकेंसी थी, इस 13,000 में टोटल 18 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था और 18 लाख में से लगभग 9 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है। अब इस 9 लाख एग्जाम में से टोटल मेन्स के लिए 17,000 लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, तो अगर कोई वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा अपने दोस्तों व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप में शेयर करो ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और हाँ दोस्तों, बिहार में आने वाले हर गवर्नमेंट फॉर्म से अगर अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से बने रहेगा। दोस्तों ये सारा वीडियो पैक बनेगा, दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ पर फिर अदर गवर्नमेंट फॉर्म के बारे में बताने आऊँगा या इस तरह का अपडेट दिलाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।